जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एमपी जीके की क्वेश्चन सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एमपी जीके की क्वेश्चन सीरीज का हमारा ये आज का 32वां लेक्चर है, जिसमें हम मध्य प्रदेश के राष्ट्र उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण और जैव आरक्षित क्षेत्रों से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, राष्ट्र उद्यान हो, वन्य जीव अभ्यारण हो या फिर जैव आरक्षित क्षेत्र क्यों ना हो, ये जैव विविधता के स्व स्थानीय संरक्षण के बहुत इंपॉर्टेंट साधन है। अगर हम बात करें जीवों के संरक्षण की, तो जीवों को उनके प्राकृतिक निवास में संरक्षित रखने के उद्देश्य से ही इन्हें स्थापित किया जाता है। क्लियर? तो आज हम मध्य प्रदेश में स्थापित ऐसे जैव आरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम में पहले भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आए। कोई सी भी एग्जाम हो, मध्य प्रदेश स्तर की, एमपीपीएससी की बात कर लीजिए, व्यापम की कोई एग्जाम की बात कर लीजिए, हर एग्जाम में आपको यहां से कोई ना कोई प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इससे संबंधित सारे प्रश्नों को हम डिस्कस कर लें। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है। दोस्तों, बाघ आकलित रिपोर्ट 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या है। दोस्तों, याद रखिए, अगर हम 2018 की बाघ रिपोर्ट की बात करें तो इसके अनुसार मध्य प्रदेश में 526 बाघ थे और मध्य प्रदेश देश में सबसे ज्यादा टाइगर वाला स्टेट था, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा भी दिया गया है। याद रखिएगा, ये 2018 की रिपोर्ट थी। जब हम बात करते हैं दोस्तों एनटीसीए की, राष्ट्रीय स्तर पर बाघ संरक्षण अथॉरिटी, जो जब हम उसकी बात करते हैं दोस्तों, ये 2006 में स्थापित किया गया था और ये 2006 से ही हर चार वर्ष में बाघों की गणना रिपोर्ट जारी करता है। पहली रिपोर्ट 2006 में जारी की गई थी और लेटेस्ट रिपोर्ट जो है दोस्तों वो 2022 में आई है। याद रखेंगे कब आई है, 2022 में। क्लियर? लेकिन यह प्रश्न कौन सी रिपोर्ट का, 2018 की रिपोर्ट का है, मतलब ये 2022 की रिपोर्ट पांचवी होगी और 2018 की जो रिपोर्ट थी वो चौथी रिपोर्ट रही। क्यों? क्योंकि 2006 में पहली रिपोर्ट आई, 2010 में दूसरी रिपोर्ट आई, 2014 में तीसरी रिपोर्ट आई, 2018 में चौथी रिपोर्ट आई और 2022 में पांचवी रिपोर्ट आई है। प्रश्न में 2018 की रिपोर्ट, चौथी रिपोर्ट की बात की गई है, एनटीसीए की जो बाघ आकलित रिपोर्ट थी दोस्तों, इसमें मध्य प्रदेश में 526 बाघ थे और देश में दोस्तों 2967 बाघ थे। पूरे देश में 2967 के आसपास बाघों की संख्या दिखाई पड़ती थी, याद रखिए। लेकिन जो पांचवी रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में एक अंदाजे के अनुसार से लगभग 711 के आसपास बाघ बताए गए हैं। क्लियर? और पूरे देश में बाघों की जो संख्या, उसमें 200 बाघ जो है वो बढ़ गए हैं। कितने बाघ बढ़े हैं? 200 बाघ बढ़े हैं। इसका मतलब भारत में लगभग 3167 के आसपास बाघ वर्तमान में हो गए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश पुनः सबसे ज्यादा बाघ वाला प्रदेश है, टाइगर प्रदेश, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो ये अगर हम बात करें क्वेश्चन के हिसाब से तो 526 उत्तर है आपका, लेकिन अगर यहां पर 2022 की रिपोर्ट का वो अगर डेटा देता तो आपका उत्तर बदल जाता। ठीक है, एनटीसीए कब बना था? 2006 में बना था। बाघों के संदर्भ में गणना करना हो, उन पर शोध करना हो, इन सभी के लिए एक जिम्मेदार संस्था है एनटीसीए, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों बाघ गणना का, तो दोस्तों बाघ गणना का हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि जब हम 2006 की पहली रिपोर्ट की बात करते तो 1400 के आसपास बाघ थे। लगातार गणना के बाद आज हम देखें तो 3000 से ज्यादा बाघ हमें हमारे देश में देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि गणना का बहुत सफल आपको परिणाम देखने को मिल रहा है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की पहली टाइगर सफारी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई है? तो दोस्तों याद रखेंगे, पहली टाइगर सफारी सतना जिले में स्थापित की गई है। ये विश्व की पहली टाइगर सफारी है दोस्तों, याद रखिएगा। यहीं पर मारतंड सिंह, राजा मारतंड सिंह जो थे, इनके नाम पर यह सफारी की व्यवस्था शुरू की गई है। वैश्विक स्तर की अपने प्रकार की पहली सफारी व्यवस्था है, यहां इसलिए शुरू की गई है कि ये 1915 का समय था जब राजा मारतंड जो हुआ करते थे इस तरफ, इन्होंने यहाँ एक सफेद बाघ जो है टाइगर उसको पकड़ा था। और हमारे देश में जो टाइगरों की संख्या का कुनबा बड़ा है, वो ये माना जाता है कि उसी टाइगर से सफेद बाघों का कुनबा बड़ा है। तो इस वजह से इसको इंपॉर्टेंस देते हुए मारतंड सिंह राजा जो थे, इनके नाम पर सतना में टाइगर सफारी शुरू की गई है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन मेरे हिसाब से आने लायक है, आप इसको याद रख लीजिएगा। सतना में विश्व की पहली टाइगर सफारी शुरू की गई है।
अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गौ अभ्यारण मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, आगरमालवा, आगरमालवा के सुसनेर में ये स्थापित किया गया है। एक्चुअल में आगरमालवा जो है वो आपको अगस्त, कौन सी अगस्त, 16 अगस्त 2013 में मध्य प्रदेश का 51वां जिले के तौर पर दिखाई पड़ता है। इसके पहले हम देखें दोस्तों, तो आगरमालवा किसकी तहसील थी, साजापुर में शामिल थी। तो यहां पर पहले उत्तर आपका साजापुर आता था, लेकिन आगरमालवा बनने के बाद आपका उत्तर होगा सुसनेर। आगर मालवा में गौ अभ्यारण बनाया जा रहा है, ये विश्व का पहला गौ अभ्यारण है और एक इंपॉर्टेंट तौर पर गायों के संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है इसको लेकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? याद रखेंगे मध्य प्रदेश में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो बनाया गया था 1955 में, वो कान्हा किसली नेशनल पार्क बनाया गया था। और लेटेस्ट नेशनल पार्क जो है वो दोस्तों 2018 में बनाया गया है, कौन सा, कूनो, कूनो पालनपुर जो है वो मध्य प्रदेश का लेटेस्ट 12वां राष्ट्रीय उद्यान है। उसके पहले मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान हुआ करते। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने, याद रखेंगे 12 राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का वह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जहां पर ब्रीडरी प्रजाति का 12 सिंगा पाया जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, ब्रीडरी प्रजाति का जो 12 सिंगा है वो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी है। इसको राजकीय पशु क्यों बनाया गया दोस्तों, तो याद रखेंगे जब मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ थी 1981 में, इस समय मध्य प्रदेश के राजकीय पशु और आदि प्रतीकों का निश्चय किया गया था जब अर्जुन सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब यहां पर 12 सिंगा को इसलिए टारगेट किया गया या राष्ट्रीय पशु, राजकीय पशु बनाया गया, क्योंकि 12 सिंगा जो है एक संकट की स्थिति से गुजर रहा था और इसके संरक्षण को महत्व दिया गया। कहा गया कि वही 12 सिंगा जो है ब्रीडरी प्रजाति का, इसको संरक्षण देने की जरूरत है और इसलिए हमने उसको मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बना लिया है। ठीक है, अब ये जो है वो आपको कहां मिलता है, तो कान्हा किसली, कान्हा किसली नेशनल पार्क में ये आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कान्हा किसली नेशनल पार्क में ही सबसे पहले 1930 के आसपास हम देखें तो इसे 12 सिंगा के संरक्षण के लिए घोषित किया गया, एक अभय वन के तौर पर आप देखते थे। क्लियर, तो ये कान्हा किसली जो है वो आपको 1930 से अंग्रेजों के समय से ब्रीडरी प्रजाति के 12 सिंगा के लिए संरक्षित क्षेत्र के तौर पर देखा गया था, जिसे 1955 में मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया है। ठीक है, कान्हा किसली 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है, मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क भी है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले में काले हिरण कृष्ण मृग के आवास के लिए प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो याद रखिएगा, साजापुर में, शाजापुर में आपको कृष्ण मृग के लिए कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो स्थापित करने की व्यवस्था देखने को मिलेगी। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में अभी तक देखा नहीं गया है, आ सकता है। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में सही कथनों को कूट द्वारा चुनिए। ये कूट दिए गए हैं और इनको आपको इनके आधार पर चुनना है। अब इनको पढ़िए, इनको पढ़ने के बाद आपको समझ आना चाहिए कि कौन सा कथन सही है, जो सही है उसको आपको टिक लगाकर अंत में ये उत्तर लगाना है। ठीक है, पहला है, यहाँ 1933 के आसपास अभय वन बनाया गया था। ठीक है, 1930 में अंग्रेजों ने इसके लिए बात की थी, 1933 तक स्थापित कर दिया था। 1952 में अभ्यारण बनाया गया, 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, बिल्कुल ठीक है। इसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर आया, तो दोस्तों याद रखिएगा 1, 2, 3, 4 सभी फैक्ट यहां पर सही दिखाई पड़ते हैं किसको लेकर, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को लेकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कहां लागू की गई है? याद रखिएगा, पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में लागू की गई है। अमेरिका की सहायता से वहां के नेशनल पार्क की तर्ज पर मध्य प्रदेश के कान्हा किसली में भी पार्क इंटरप्रिटेशन योजना लागू की गई। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? याद रखेंगे, डिंडोरी में मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। भारत की अगर बात करें दोस्तों, तो भारत में टोटल 4 जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें से मध्य प्रदेश के डिंडोरी में पहला, याद रखिएगा, है। ठीक है, यहां पर आपको बहुत पुराने वनस्पति आदि के जीवाश्म देखने को मिलते हैं और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी कोई है तो वो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, एक तरफ आपको राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं, दूसरी तरफ आपको उनसे संबंधित क्षेत्र दिए हैं, उसके आधार पर आपको उत्तर चूज करना है। तो ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है मंडला।
ठीक है। बांधवगढ़ कहाँ है? बांधवगढ़ है उमरिया। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? माधव राष्ट्रीय उद्यान है शिवपुरी में। इंद्रावती कहाँ है? बस्तर में है। इसके हिसाब से उत्तर चुनते हैं। अ का क्या है? पहला। अ का पहला ये आ गया, ब का चौथा। तो दोस्तों याद रखिए, इसके हिसाब से यहां पर आपको ऑप्शन गलत दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम इस हिसाब से देखेंगे क्या कि अ जो है उसका हो जाएगा दूसरा, ब जो है उसका हो जाएगा चौथा, स जो है उसका हो जाएगा पहला, और द जो है उसका हो जाएगा तीसरा। ये उत्तर आपका सही होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा, जो उत्तर दिखेगा वो सही हो जाएगा। तो देखो, अ का दूसरा है, ब का चौथा है, स का पहला है, द का तीसरा, ठीक है। तो ये जो है आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, है ना। ये सभी के सभी आप याद कर लीजिएगा, ये जो क्षेत्र है इससे जो मिलान किया गया है ये आपको जरूर एग्जाम में आ सकता है। अगर ऐसा कैसा प्रश्न नहीं आया, ऐसा प्रश्न नहीं आया, तो हो सकता है वो ये पूछ ले इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जिला पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहीं किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है? तो चंबल और सोन नदी पर। याद रखिए, मध्य प्रदेश में सोन, केन और चंबल तीन ऐसे अभयारण्य बनाए गए हैं जहां पर घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्तर पर 1975 से जो घड़ियाल संरक्षण की योजना दिखाई पड़ती है उसके तहत ही मध्य प्रदेश में चंबल पर, सोनपुर और केन नदी पर घड़ियाल अभयारण्य बनाए गए हैं। यहां समझने वाली बात यह कि चंबल का जो अभयारण्य है ये मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और यूपी तीनों क्षेत्रों में आपको फैला दिखाई पड़ता है, विशेष तौर पर मुरैना में है, और ये सबसे बड़ा बोल सकते हैं घड़ियाल अभयारण्य के तौर पर भी जाना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शामिल नहीं है? दोस्तों यहां पर याद रखिएगा कि माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल नहीं है। अगर हम मध्य प्रदेश में दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो याद रखिएगा कि देश में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ होता है, और कैलाश सांगला जी को हम भारत का बाघ पुरुष भी कहते हैं क्योंकि इनका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा है, ठीक है। जब हमारे देश में बाघों की संख्या में निरंतर गिरावट आ रही थी, तो उस बाघों की संख्या में गिरावट के कारण ये देखा गया कि इसको संरक्षण देने की जरूरत है, तब जाकर भारत के राष्ट्रीय पशु के तौर पर बाघ को चिन्हित किया गया, और इसके संरक्षण के लिए भारत में अलग अलग जगहों पर टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए, और वर्तमान में हम देखें तो पूरे भारत में लगभग 53 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें से 7 जो हैं, कितने 7 जो हैं वो मध्य प्रदेश में, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब मध्य प्रदेश में जो 7 टाइगर रिजर्व हैं उनमें दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पहले हम बात करें तो कान्हा, जो कान्हा किस लिए, यहां पर आपको 1974 में टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। कान्हा किस लिए राष्ट्रीय उद्यान जरूर 1955 में बना था, लेकिन यहां पर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1974 में हुई। अगर हम पेंच की बात करें दोस्तों, तो 1993 में जो पेंच है इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। अगर बांधवगढ़ की बात करें दोस्तों, तो 1993 के आसपास ही बांधवगढ़ को भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। अगर हम पन्ना की बात करें तो 1994 में पन्ना को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। इसके अलावा हम देखें दोस्तों तो सतपुड़ा जो है इसको 1999 के आसपास प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। इसके अलावा दोस्तों संजय डुबरी जो है वो भी प्रोजेक्ट टाइगर है, और इसे 2008 के आसपास प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। तो इस प्रकार से देखिए, कान्हा, पन्ना, पेंच, बांधव, संजय, सतपुड़ा, 6 हो गए। अब हमारे यहां पर मध्य प्रदेश में टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान है, और 12 राष्ट्रीय उद्यान जो हैं इनमें से 6 राष्ट्रीय उद्यान जो हैं वो काय में आते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर में आते हैं। तो यहां पर आपको प्रोजेक्ट टाइगर देखने को मिला, लेकिन इसके साथ आपको एक अभ्यारण जो है वो भी प्रोजेक्ट टाइगर में दिखाई पड़ता है, और ये है रातापानी अभ्यारण। ये रातापानी अभ्यारण जो है दोस्तों ये रायसेन में है, और ये 1976 के आसपास एक अभ्यारण्य के तौर पर स्थापित किया गया था, लेकिन यहाँ पर बाघों के लिए एक अच्छा माहौल देखा गया, और बाघों की यहाँ पर जब संख्या देखी गई तो इसे 2013 में अनुमोदन प्राप्त हुआ कि इसे प्रोजेक्ट टाइगर बना दिया जाए। तो NTCA जो बाघ अथॉरिटी है उसने 2013 में इसको अनुमोदन दिया, और 2014 तक आपको प्रोजेक्ट टाइगर दिखाई पड़ता रातापानी में। इसको
टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत लाने की जो कवायद है वो 2010 से शुरू हो गई थी। 2011 में इसको लेकर बड़े कदम उठाए गए और अंततः 2013 में एनटीसीए की अनुमति मिलने के बाद 2014 तक ये आपको दिखाई पड़ता है टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र वन्यजीव अभयारण्य जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है दोस्तों वो कौन सा है, तो रातापानी वन्यजीव अभयारण्य, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वैसे ही आप लोग एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जो रातापानी है दोस्तों उसको मिलाकर मध्य प्रदेश में टोटल 7 बाघ के लिए परियोजनाएं हैं, ये भी ध्यान रखना है ना। चलिए तो ये बात की हम लोगों ने कहा कि प्रोजेक्ट टाइगर की मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहां कहां पर आपको प्रोजेक्ट टाइगर देखने को मिलता है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, टाइगर प्रोजेक्ट योजना सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के इस राष्ट्रीय उद्यान में लागू हुई थी। मैंने अभी हाल आपको डिटेल में पूरे टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में बताया है। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में 1974 में ही प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था, ध्यान रखेंगे। अगला है दोस्तों, प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। दोस्तों तो याद रखिएगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो उमरिया में है ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आपको एक प्राचीन किला भी देखने को मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रेप्टाइल पार्क कहाँ स्थित है। पन्ना में रेप्टाइल पार्क स्थित है। दोस्तों यहाँ पर रेंगने वाले जीवों, घड़ियाल हो, मगरमच्छ, इन सबके संरक्षण के लिए व्यवस्था की गई है पन्ना में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, राज्य का एकमात्र जिला जिसमें सफेद शेर पाए जाते हैं, तो रीवा मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जहां पर सफेद शेर पाए जाते हैं, इसे सफेद शेरों की भूमि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी की चोटी पर जॉर्ज केसल भवन बना है। याद रखेंगे, माधव राष्ट्रीय उद्यान जो शिवपुरी में है यहीं पर आपको पहाड़ी की चोटी पर जॉर्ज केसल भवन दिखाई पड़ता है। एक्चुअल में यहाँ पर एक विशेष बात है कि जब 1911 में ब्रिटेन के राजा और उनकी पत्नी आने वाले थे भारत में 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन होना था, तो जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी राजकुमारी जो मेरी थी, ये दोनों का भारत आगमन हुआ था, किस लिए, दिल्ली दरबार के दौरान। और यहाँ पर इस समय हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सिंधिया राजघराने के जो राजा थे वो शासन कर रहे थे। अब जो राजा आए थे ब्रिटेन के, उनका शिकार खेलने का मन था, तो ये शिकार खेलने के लिए आने वाले थे मध्य प्रदेश के जोन में, कहां, माधव राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में, क्योंकि ये बहुत घना जंगल का इलाका था और बाघ का शिकार उन्हें करना था। लेकिन हुआ ये कि उन्हें बाघ का शिकार अगर करना था तो उन्हें एक रात यहाँ रुकना भी पड़ता, तो ऐसे में उनके रुकने के लिए रातों रात सिंधिया महाराजा ने इनके लिए एक भवन निर्माण करवाया था, बहुत अलग किला बनवाया था यहाँ पर, बराबर। और हुआ ये था कि जो ब्रिटेन के राजा आए थे उनको शिकार यहाँ आने के पहले ही, शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान आने के पहले ही मिल चुका था, मतलब यहाँ आने के पहले उन्होंने शिकार कर लिया था, वो यहाँ आए भी नहीं थे। लाखों रुपए खर्च करके विदेशी टाइल्स वगैरह बुलवा कर ये पूरा एरिया यहाँ बनाया गया था, कहाँ, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में। तो यहाँ याद रखिएगा कि जॉर्ज केसल भवन भी कहाँ है, घने जंगलों में है, माधव राष्ट्रीय उद्यान के शिवपुरी में है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सोन चिड़िया का संरक्षण किस अभयारण्य में किया जाता है। तो याद रखिएगा, घाटी गांव ग्वालियर में है और करेरा शिवपुरी में है, ये दोनों के दोनों अभयारण्य हैं। इन दोनों अभयारण्यों में सोन चिड़िया द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में खरमौर पक्षी को किस अभयारण्य में संरक्षित किया गया है। धार के सरदारपुर में दोस्तों खरमौर पक्षी को संरक्षित किया गया, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में घड़ियाल का संरक्षण इस अभयारण्य में किया जाता है। याद रखिएगा, चंबल अभ्यारण में भी किया जाता है, केन अभ्यारण में और सोन, तीनों अभ्यारणों में आपका घड़ियाल संरक्षण किया जाता है, जिनमें सबसे बड़ा अगर है तो दोस्तों चंबल घड़ियाल अभ्यारण है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण कौन सा है दोस्तों, तो सागर में नौरा देही जो अभ्यारण है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण है। लगभग 940 अगर हम बात करें सॉरी लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर के आसपास का क्षेत्रफल है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के राष्ट्र उद्यानों वन अभ्यारणों में सबसे अधिक कौन सा जानवर मिलता है। याद रखेंगे, चीतल। चीतल जो है वो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मिलने वाला जानवर है, और अगर हम मांसाहारी जानवर की बात करें तो तेंदुआ यहाँ सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण कौन सा है। इंदौर का राला मंडल जो है वो सबसे छोटा अभ्यारण है, जहां पर सेकंड तितली पार्क को भी विकसित किया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो डिंडोरी में है, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में जो है, ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर के आसपास आपको दिखाई पड़ेगा, जहां पर बहुत प्राचीन वृक्षों आदि के जीवाश्म आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर दोस्तों? और ये डिंडोरी में है। और ये जो फॉसिल अभ्यारण्य है दोस्तों, ये बांधवगढ़ और कान्हा, इन दोनों के बीच में आपको डिंडोरी में फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा, जो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर? 0.27 वर्ग किलोमीटर के आसपास का क्षेत्रफल है। मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण जंगली भैंसे के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान हेतु प्रस्तावित है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में जंगली भैंसे का संरक्षण प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में बब्बर शेरों के स्थानांतरण की योजना थी दोस्तों? तो याद रखिएगा, कूनो पालनपुर जो है शिवपुर में जो कूनो पालनपुर है, इस राष्ट्रीय उद्यान को मध्य प्रदेश का 12वां राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं, जो 2018 में स्थापित किया गया है। इसमें ही पहले बब्बर शेर जो गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में आपको मिलते हैं, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात कच्छ क्षेत्र में जो मिलते हैं, यहां से बब्बर शेरों को लाकर कूनो पालनपुर में संरक्षण करने की योजना थी, लेकिन यहां पर अभी आप देखें तो चीता परियोजना चल रही है, जिस वजह से बब्बर शेरों का स्थानांतरण नहीं किया जा चुका है। ध्यान रखिएगा, तो एशियाई बब्बर शेर पूरे विश्व में कहां मिलते हैं? गुजरात में मिलते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान में। चलिए दोस्तों, ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का पूरा नाम डुबरी है? संजय डुबरी। दोस्तों संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसको पहले डुबरी के नाम से जानते थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ था दोस्तों? 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से 26वां राज्य के तौर पर छत्तीसगढ़ अलग हुआ है ना। जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो यहां बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ में चला गया था। अगर हम संजय राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये मध्य प्रदेश का सबसे पूर्व में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है, और इसका बहुत सारा क्षेत्रफल आपको छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ दिखाई पड़ता है। अब चूंकि छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो ये छत्तीसगढ़ के बनने के पहले मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था। छत्तीसगढ़ के बनने के बाद ये इसका आधा भाग छत्तीसगढ़ में चला गया, तो कान्हा किसली जो है वो अब मध्य प्रदेश के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर स्थापित हो गया है। जैसे संजय जो है, इसको हम पहले डुबरी नाम से जानते थे, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जंगल गलियारा योजना के तहत 2 राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ने पर विचार है, किसको? बांधवगढ़ और कान्हा किसली को। बांधवगढ़ और कान्हा किसली को एक गलियारा बनाकर जोड़ने का प्रावधान है, ताकि दोनों राष्ट्रीय उद्यानों में जो जानवर मिलते हैं, जो जंगली जीव हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके, उनके क्षेत्र में विस्तार हो सके। अभी क्या होता है कि जो जंगली जानवर होते हैं, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर वो जब जाते हैं तो वो भटक जाते हैं, कई बार शहरी क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो सड़क से या कहीं से भी वाहनों के, ट्रेन के आदि के नीचे आ जाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनको एक सेफ गलियारा प्रदान किया जा रहा है, इसके लिए मध्य प्रदेश में जंगल गलियारा योजना कान्हा किसली और बांधवगढ़ को जोड़ने के लिए चल रही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब आई थी? तो 1952 में मध्य प्रदेश की पहली वन नीति आई थी दोस्तों। ये देश की भी पहली वन नीति थी, और इस वन नीति के तहत देश के कुल भाग का 33% पर वन होना अनिवार्य बताया गया था। एक्चुअल में आजादी के पहले देखें तो 1894 में आपको अंग्रेजों के समय में वन नीति दिखाई पड़ती है, और इस वन नीति के तहत अंग्रेजों ने भारत के समस्त वनों पर अपना अधिकार कर लिया था, और उन वनों का बहुत ज्यादा शोषण किया। अपने हितों की पूर्ति के लिए भारत के संसाधन जो थे वन के, उनको यूज किया था इन्होंने। जब हम आजाद हुए तो 1952 में आजाद भारत की पहली वन नीति लाए, जिसके तहत कहा गया कि देश के 33% पर वन होना अनिवार्य है अगर हम एक स्वच्छ पर्यावरण चाहते हैं। तो यही स्थिति वैश्विक स्तर पर भी होती है। वैश्विक स्तर पर अगर आप देखना चाहें तो पूरी दुनिया के, पूरी धरती के 33% भाग पर वन होना अनिवार्य है, और यही कॉन्सेप्ट मध्य प्रदेश में भी लागू किया गया। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के 33% पर वन अनिवार्य है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो वर्तमान में लगभग 30.72% क्षेत्रफल जो है मध्य प्रदेश का, उस पर वन है। तो हम ऑलमोस्ट जो है अपने इस टारगेट को कवर करने की तरफ है, ये याद रखिएगा। तो वन नीति जो है वो 1952 में आई थी पहली भारत की भी, और 1988 में भारत की दूसरी वन नीति आपको देखने को मिलती है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर दोस्तों? तो वन नीति भारत में वनों का प्रबंधन करने के लिए लाई गई नीति रही, इसकी समस्याओं, इनको कैसे बढ़ाया जाए, इन सब चीजों पर विचार करने के लिए नीति लाई गई थी 1952 में।
अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? बांधवगढ़ 1958 में स्थापित किया गया था, आपको याद रखना, उमरिया में है ये, कहां है? उमरिया में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष टाइगर प्रोजेक्ट में लाए थे दोस्तों? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को 1994 में टाइगर प्रोजेक्ट में लेकर आए थे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1974 में मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, ये राज्य स्तर पर है। और अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें, 1972 में भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पास किया था, जिसके तहत वन्य जीवों का शिकार करना दंडनीय अपराध है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, मध्य प्रदेश के 7 प्रोजेक्ट टाइगर और अभ्यारण्य मिलाकर हैं दोस्तों। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थापित है? डिंडोरी में, सॉरी, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों धार में है। धार में आपको डायनासोर के अंडे और बाकी के जीवाश्म देखने को मिलते हैं। तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? धार में है। और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? डिंडोरी में। डायनासोर जीवाश्म जाए तो धार में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत छांटिए, इनको आपको देखना है प्रश्नों को और देखना है कि कौन सा गलत। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसमें पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान, इनकी आपको जोड़ी बनाना है और जो गलत है उसको हम लोगों को इसमें से छांटना है। ठीक है, चलिए अगर हम पेंच की बात करें दोस्तों, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको दिखाई पड़ता है 1983 में, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान दिखाई पड़ता है 1981 में। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्तों, 2008 में नहीं बना था। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो 1958 में स्थापित हुआ था, याद रखिएगा। तो यहाँ पर डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है वो ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी प्रदर्शनी पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में फैला हुआ है, यहाँ से पेंच नदी गुजरती है, बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये, और सतपुड़ा के दक्षिण क्षेत्र से ये दिखाई पड़ता है आपको। ठीक है, सिवनी बालाघाट क्षेत्र में इसका विस्तार मिलता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को प्रियदर्शनी या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा गया है। मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भोपाल में। भोपाल का जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, जो जहां पर आपको सर्प उद्यान भी देखने को मिला। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ISO प्रमाण पत्र राष्ट्रीय उद्यान है, देश का एकमात्र। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान सिटी के बीच में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में ही जीवों को गोद लेने की जो प्रणाली है वो भी शुरू की गई है। सब फैक्ट वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल से संबंधित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में वन जीवों को गोद देने की व्यवस्था की गई? तो वन विहार, अभी मैंने बताया, भोपाल में है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को ISO 9001:2008 अवार्ड मिला है? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को। मध्य प्रदेश में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो याद रखिएगा, पचमढ़ी। पचमढ़ी में 1999 में मध्य प्रदेश का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया था। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित करने की व्यवस्था 1973 से शुरू होती है। उसके बाद हम देखें तो भारत में टोटल 18 वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र है, जिनमें पहला जो था वो 1986 के आसपास नीलगिरी दिखाई पड़ता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नीलगिरी बेसिकली तमिलनाडु में है, लेकिन इसका विस्तार केरल में भी है और कर्नाटक में भी है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पर इसे स्थापित किया गया। वर्तमान में 18 जैव आरक्षित क्षेत्र, जिसमें से 3 जो है वो मध्य प्रदेश में है। पहला 1999 में पचमढ़ी में बना था, दूसरा 2005 में अमरकंटक अचानक मार बना था। क्लियर है, अमरकंटक अचानक मार बनाया गया था, कब? 2005 में। और तीसरा और लेटेस्ट पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र जो है वो दिखाई पड़ता है। तो मध्य प्रदेश में 3 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, देश में 18 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उमरिया में है। अगला प्रश्न है, सांख्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में है? सांख्य सागर झील माधव राष्ट्रीय उद्यान में है, शिवपुरी में। याद रखिएगा, इसे हाल ही में रामसर साइट भी घोषित किया गया है 2022 में, जब देश के आजादी के 75 साल हो गए। तो 75 साल के अवसर पर देश में 75 रामसर साइट करने का टारगेट किया गया था, जिसके तहत मध्य प्रदेश में 2022 में 3 नई रामसर साइट बनाई थी। एक आपको बनाया गया मध्य प्रदेश के शिवपुरी में, सांके सागर बनाया गया, सिरपुर इंदौर को बनाया गया, और यशवंत सागर इंदौर की झील को बनाया गया। जबकि 2002 में हम देखें तो भोपाल का जो तालाब है वो ऑलरेडी रामसर स्थल बन चुका। तो मध्य प्रदेश में रामसर साइट की संख्या 4 हो गई है।
प्रथम जीवित सफेद बाघ किस जंगल में पकड़ा गया था? तो दोस्तों रीवा के जंगलों में पकड़ा गया था, जो राजा यहाँ पर मार्तंड सिंह थे उन्होंने इसको भगा था। मध्य प्रदेश का पहला वन्य जीव जागरूकता केंद्र कहाँ बनाया गया? तो राला मंडल इंदौर में बनाया गया है। सूर्यास्त पॉइंट बामनी दरार के रूप में भी जाना जाता है या किस राष्ट्रीय उद्यान में है? दोस्तों कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ग्वालियर के महाराजा का शाही आरक्षित क्षेत्र था? मैंने बताया सिंधिया राजाओं का था। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में रहा है। एक अभ्यारण्य जो मध्य प्रदेश में लेकिन राजस्थान से सटा है, गांधी सागर अभ्यारण्य जो है दोस्तों ये राजस्थान से सटा हुआ है और ये अभ्यारण्य जो है ये गांधी सागर डैम पर बना हुआ है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कोनो वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में आता है? तो श्योपुर में आता है मध्य प्रदेश के। अटल बिहारी वाजपेयी पार्क किस नाम से अधिक जाना जाता है? तो इंदौर के रीजनल पार्क को अटल बिहारी वाजपेयी पार्क के नाम से जानते हैं। 2003 में इसको स्थापित करने का काम शुरू किया गया था जो इंदौर विकास प्राधिकरण उसके द्वारा। ठीक, बगदरा अभ्यारण की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 1978 में बगदरा अभ्यारण बनाया गया। सतपुड़ा में पाया जाने वाला इंडियन बाइसन को आप किस नाम से जानते हैं? दोस्तों इसको गौर भी बोलते हैं। ठीक है, बाइसन लॉज जो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत, पचमढ़ी जब आप जाते हैं तो वहां पर आपको सबसे फेमस प्लेस भी देखने को मिलती है। तो अगर पूछे बाइसन लॉज कहाँ है तो ये पचमढ़ी में है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखें। निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्यों में से कौन सा होशंगाबाद में? दोस्तों होशंगाबाद में बोरी वन्यजीव अभयारण्य है। बोरी वन्यजीव अभयारण्य जो है दोस्तों यहीं पर आपको तवा बांध का जो पानी है वो एरिया भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला देखते हैं घड़ियालों का प्रजनन स्थल कौन सा? दोस्तों तो सोन अभयारण्य जो है वो उसे आप घड़ियालों के प्रजनन स्थल के तौर पर जानते हैं। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा भारतीय हिरण कौन सा? तो सांभर, सांभर जो है दोस्तों वो सबसे बड़ा भारतीय हिरण है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है फेन अभयारण्य कहाँ है? तो फेन अभयारण्य मंडला में है। करेरा अभयारण्य इस साल में स्थापित हुआ था? करेरा अभयारण्य दोस्तों शिवपुरी में है और ये 1981 में स्थापित किया गया था। पक्षी देखने के लिए सबसे अच्छा पार्क है? अगर आप पक्षी देखना चाहते हैं और अगर आपको पक्षी देखने का शौक है तो दोस्तों आप करेरा अभयारण्य में जाइए, क्योंकि विशेष तौर पर पक्षियों के लिए आरक्षित अभयारण्य। ठीक है, सोन इस साल में एक संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया है 1981 में। सोन अभयारण्य जो है दोस्तों घड़ियाल के लिए और 1981 में इसको घोषित किया गया था। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बंगाल टाइगरों में से एक है जो कि नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन के कवर पर दिखाई दी थी। याद रखिएगा सीता, सीता एक मादा बाघिन है जो आपको बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में दिखाई पड़ी थी और ये बंगाल टाइगर की ही एक सदस्य है। ठीक है, और चार्जर यहाँ का नर बाघ है। तो अगर नर बाघ की बात करें तो चार्जर है, सीता मादा बाघ है जो ज्योग्राफिक मैगजीन के कवर पर आप लोगों को दिखाई दी थी। कान्हा क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? दोस्तों तो सुपर्ण नदी, सुपर्ण नदी जो है वो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में आपको बहती दिखाई पड़ती है। बोरी जब वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से कौन सी वनस्पति संबंध है? दोस्तों बोरी वन्यजीव अभयारण्य होशंगाबाद क्षेत्र में पड़ता है और बांस के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखें डिंडोरी में स्थापित जीवाश्म पार्क का नाम क्या है? तो उसे याद रखिएगा जो डिंडोरी जीवाश्म पार्क है उसका नाम दुधवा राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क है, ये भी ध्यान रखेंगे। भारत में कौन से वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान ने प्रथम बार आधिकारिक तौर पर भूर सिंह बारासिंगा नामक एक मस्कट जारी किया था? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान वो पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिसने भूर सिंह बारासिंगा को अपना चिन्ह के तौर पर, सिंबल के तौर पर जारी किया था। निम्नलिखित बाघ अभयारण्यों में से कौन से पर चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो उमरिया में है यहाँ से आपको चरण गंगा नदी प्रवाहित होती दिखेगी। निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति अधिकतर कान्हा नेशनल पार्क में पाई जाती है? तो याद रखेंगे साल के पेड़ जो है वो कान्हा नेशनल पार्क में आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है कान्हा के शुंभकर भूर सिंह जी बारासिंगा के साथ आए व्यंग्य चित्रकार का नाम क्या था? तो याद रखेंगे रोहन चक्रवर्ती जो थे वो व्यंग्य चित्रकार थे जिन्होंने भूर सिंह बारासिंगा के इस मस्कट को तैयार किया था। और भूर सिंह बारासिंगा मस्कट जारी करने के पीछे उद्देश्य क्या रहा? उद्देश्य ये था कि बारासिंगा जो ब्रीडरी प्रजाति का रहा उसके संरक्षण को बढ़ावा देना है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार से संकट में है और इसको संरक्षण देना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मध्य प्रदेश के कान्हा किसली नेशनल पार्क में इसका एक मस्कट चिन्ह बनाया गया, क्योंकि सबसे ज्यादा ये बारासिंगा आपको कान्हा किसली में मिलता है। निम्नलिखित में से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रत्न कौन सा है? दोस्तों याद रखेंगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रत्न किसे कहा जाता है? बारासिंगा को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि बारासिंगा यहाँ पर मिलता है। पन्ना के अलावा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जिले में भी आता है। दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में तो है लेकिन पन्ना के अलावा इसका विस्तार आपको छतरपुर में भी देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से
कौन से राष्ट्र उद्यान से बंजर नदी बहती है? तो ध्यान रखेंगे बंजर नदी कान्हा राष्ट्र उद्यान से भी बहती है, सुपर्ण नदी और बंजर दोनों नदी आपको कान्हा राष्ट्र उद्यान से बहती दिखाई पड़ती है। मेघदूत गार्डन कहाँ है? उज्जैन में है दोस्तों, विजयनगर जब आप जाते हैं तो आपको ये सायद जी के पास में दिखाई पड़ता है मेघदूत गार्डन। खिवनी अभ्यारण्य किस जिले में दोस्तों? खिवनी अभ्यारण्य देवास में है। काली सिंध नदी जो है यहाँ से प्रवाहित होकर जाती है। प्रदेश में प्रथम बार सफेद बाघ कब देखा गया था? 1915 में मारतंड राजा जो थे, राजा मारतंड सिंह, उन्होंने देखा था, इसको पकड़ा था और इसके बाद से ही मध्य प्रदेश में जो सफेद बाघों की संख्या है वो बढ़ते दिखाई पड़ती है, याद रखिएगा। किस राष्ट्र उद्यान में मोगली लैंड बनाया गया दोस्तों? पेंच राष्ट्र उद्यान में जंगल बुक जो है उसके आधार पर जो मोगली लैंड है वो बनाया गया, तो मोगली लैंड के लिए प्रसिद्ध है पेंच राष्ट्र उद्यान, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश में स्थित निम्नलिखित बाघ अभयारण्य में से कौन सा मोगली की असली भूमि और रुडियार्ड किपलिंग द्वारा लिखित प्रसिद्ध जंगल बुक का क्षेत्र माना जाता है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। जंगल बुक जो है ये किसने लिखी थी दोस्तों? याद रखेंगे रुडियार्ड किपलिंग द्वारा लिखी गई व्यवस्था थी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश के अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों और जैव आरक्षित क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आपकी तैयारी को इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हुए करना चाहिए ताकि एग्जाम में आपके प्रश्नों की छूटने की संभावना ना रहे, क्लियर। जो लोग लेक्चर्स देख रहे हैं दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके द्वारा हमें एक मोटिवेशन मिलता है और इसके लिए आप वीडियो को लाइक जरूर करिए। और अगर कोई आपका सुझाव होता है या कोई आपको PDF या इस प्रकार के प्रश्न चाहिए तो जरूर आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो हम आपको इस प्रकार से प्रश्न जो रहेंगे वो जरूर पहुंचाएंगे, क्लियर। मिलता हूं अगले लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।